वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस साल के प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं जिनके रिज़ल्ट विजुअल मिले हैं और इन्हें मैं हर बार बाय करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग हर बार ये चीज़ पूछते हैं जैसे अगर मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ और मैं उसके रिज़ल्ट अच्छा बता रही हूँ तो उससे पहले मैंने किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ उसके भी रिजल्ट मैंने अच्छे बताए हुए हैं तो आप लोग पूछते हो कि क्या बेटर है इन दोनों में से ठीक है ये अच्छा है या वो अच्छा है ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी टॉपिक पे बनाई है कि मैं आपको जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट रहे हैं इस साल के 2021 के मैं उनको शेयर करूँ मतलब ये प्रोडक्ट वो रहेंगे जिन्हें मैं हर बार ट्राई करना चाहूँगी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इतनी सारी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन पर तो कहीं ना कहीं किसी क्रीम के साइड इफ़ेक्ट मेरे स्किन पर छूट जाते हैं तो मैं वापस उन्हीं क्रीम पर आती हूँ जिनसे स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है ठीक है मतलब रिपेयर हो जाती आती है बोल सकते हो जैसे कभी एक्ने आ जाते हैं कभी स्पॉट आ जाते हैं कभी हल्की फुल्के मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन हो रहा है तो फिर मैं वापस उसी क्रीम पर चले जाती हूँ तो ये जो प्रोडक्ट मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो इस पूरे साल के हैं ठीक है एक एक चीज का मैंने एक एक प्रोडक्ट लिया जैसे कि नाइट क्रीम है मैंने एक नाइट क्रीम ली है ठीक है जो इस साल में जितनी भी नाइट क्रीम के रिव्यू किए उसमें से मैंने एक नाइट क्रीम पिक की है यहाँ पे मैं जो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ठीक है ऐसे ही नाइट क्रीम है डे क्रीम है सीरम है और हेयर फॉल शैम्पू है तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं प्रोडक्ट को पहले ट्राई किया जाता है उसके बाद एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको प्रोवाइड कराया जाता है इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का रिव्यू कम रिजल्ट बताती हूँ कि इसके रिजल्ट रिज़ल्टे हैं ठीक है हालाँकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि क्लेम तो बहुत कुछ होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है जो फिर उस जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है जो क्लेम कर रहा है वो अपनी क्लेम पे सटीक बैठे ठीक है तो वो यूज करने के बाद ही पता चल चल पाता है कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं क्या ठीक है जो भी क्लेम कर रहा है चार पांच क्लेम कर रहा है तो उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी क्लेम पे वो सटीक नहीं बैठता ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी क्लेम किए होते हैं वो सारे क्लेम पे ही वो सटीक बैठता है तो ऐसे आज एक जो प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ तो ये सारे अपने क्लेम पर बैठे हुए हैं जो भी क्लेम कर रहे हैं अपने क्लेम पर बिल्कुल सटीक हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस से ठीक है फेस से स्टार्ट करते हैं तो क्लिंजर फर्स्ट उठाते हैं तो क्लिंजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे फेस वॉश बहुत सारे आ, सोप हो गए ठीक है तो यहाँ पे जो मेरा फेवरेट आ, फेस वॉश रहा है जो कि एक ब्राइटनिंग फेस वॉश है स्किन को लाइट करता है और ऑयल कंट्रोल का बहुत अच्छा काम करता है एक्निपो स्किन के लिए तो ये बेस्ट है ठीक है ऑल स्किन टाइप है ये ऐसा भी नहीं कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ट्राई करोगे तो आपकी स्किन को ये ड्राई कर देगा ये भी नहीं है बहुत ही बढ़िया हाइड्रेट भी रखता है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई करते दे रहा स्किन को ठीक है मतलब स्किन के स्किन को ख्याल रख के ही मुझे लगता है इस फेस वॉश को बनाया गया है जो कि ऑल स्किन टाइप पे ये काम करता है तो जो फेस वॉश की जो मैं बात कर रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग समझ समझिए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हें तो पता ही होगा क्योंकि अब मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है पॉन्स का चारकोल फेस वॉश लेकिन जब एथेग्लो फेस वॉश मैंने ट्राई करना शुरू किया तो इसने मेरे जो मेरा फेवरेट फेस वॉश था उसको इसने बीट कर दिया ठीक है तो मेरा जो करंटली जो मेरा फेवरेट फेस वॉश है वो एथीग्लो फेस वॉश है जिसे मैं हर बार ट्राई करना चाहूँगी स्पेशली समर सीजन में ठीक है तो इसके इमेज मैं लगा दे रही हूँ आप देख लेना कि इमेज और इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में प्रोवाइड कर दूँगी उसके थ्रू आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है तो ठीक है तो ये रहा फेस वॉश और अगर हम बात करें फेस क्रीम तो यहाँ पर क्रीम मैं तीन क्रीम बताने वाली हूँ एक क्रीम रहेगी आपकी डे क्रीम दूसरी रहेगी नाइट क्रीम और तीसरी रहेगी आपकी एंटी एजिंग क्रीम ठीक है तो डे क्रीम से स्टार्ट करते हैं तो डे क्रीम में आ, मैंने रिव्यूज़ का कर कर रखा है जो कि है रेड वाइन की पिल क्रीम का पिल क्रीम की है रेड वाइन क्रीम और हाँ तो पिल क्रीम की रेड वाइन क्रीम है ये एस पी एफ़ थर्टी के साथ आती है आपको कोई भी एस पी एफ मतलब कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये कुछ इस तरह से है क्रीम आप देख लीजिए इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में प्रोवाइड कर दूंगी और साथ साथ में प्राइस भी मैंशन कर दूंगी कि कितना इसका प्राइस है ठीक है तो ये रही डे क्रीम और अगर हम बात करते हैं नाइट क्रीम नाइट क्रीम के लिए हाँ, मैंने एक क्रीम ली है एक्चुअली इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है अभी तक ठीक है अभी तक इसका रिव्यू नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको बहुत ही बढ़िया क्रीम है पिगमेंटेशन में भी ये काम करती है सबसे बढ़िया बात है पिगमेंटेशन में अगर को कोई क्रीम काम कर रही है तो आप ये सोच लो कि आपके डार्क स्पॉट भी ये भगाएगी आपके फेस पे जो भी आपके निशान हैं या फिर किसी के बहुत मतलब किसी चीज़ से भी निशान पड़ जाते हैं फेस पर या फिर आपके एक्ने हो रहे हैं एक्ने में भी ये काम करती है लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा एक्ने मुहासे टाइप के हैं ना तो उस पर यह काम नहीं कर पाएगी ठीक है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग का भी काम करेगी पिगमेंटेशन में भी काम में भी काम काम करेगी, करेगी, बहुत ही बढ़िया क्रीम है मैंने इसका भी रिव्यू नहीं किया है लेकिन रिव्यू बहुत जल्द इसका आएगा तो इसका एम प्राइस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और इसका जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा ठीक है तो ये रही नाइट क्रीम और अगर आप बात करें हम एंटी एजिंग क्रीम तो एंटी एजिंग क्रीम मैंने खुद पे तो कभी मैं ट्राई नहीं करती हूँ लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी के लिए ट्राई करती हूँ और मैं आपको दिखा दूँ मैंने सारे जो भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट लगाती हूँ तो भूल जाती हूँ तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिससे मैं बार बार लेना चाहूँ तो मैं उन्हें यहाँ पर नोट करते जाती हूँ ठीक है कि तो इसलिए मैंने इस पर आज वीडियो बना दिया और बहुत आसान हो गया है मेरे लिए कि एक साल मतलब इस साल में 2021 में जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए उसमें से जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट थे मैंने यहाँ पे पिक कर लिए ठीक है अब हमने बात करनी है एंटी एजिंग क्रीम एंटी एजिंग क्रीम के लिए जो सबसे बढ़िया क्रीम है वो है सैन ब्रोटैनिका की एडवांस एंटी एजिंग डे क्रीम एस पी के साथ आती है ठीक है इसमें भी आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई भी नाइट क्रीम मेडिकेटेड क्रीम कितनी भी खतरनाक क्रीम लगा रहे हो तो आप इस क्रीम को डे टाइम लगा सकते हो एजिंग का भी काम करेगी और साथ में ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी ठीक है अब बात आती है फेस सीरम फेस सीरम में मैंने बहुत सारे सीरम के रिव्यू किए इस साल ठीक है लेकिन जो बेस्ट सीरम जो मुझे लगा वो कोजी केयर प्लस सीरम लगा जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ अभी आप देख लेना प्ले में एक मैंने हर चीज़ का प्ले भी बनाया हुआ है सबसे अच्छी बात आपको सर्च करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है इसका भी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इमेज यहाँ पे लगा दे रही हूँ प्राइस भी मेंशन कर दे रही हूँ आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा और अब आती है सोप की ठीक है सोप तो मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैं सोप के रिव्यू ज़्यादा आते हैं मेरे तो सोप में तो सबसे बेस्ट सोप है ठीक है इस साल की दो की तो वो है ग्लूटाब ग्लूटाब सोप को अभी तक किसी भी सोप ने बीट नहीं किया है रिजल्ट के साथ में हर एक सोप का रिव्यू करती हूँ तो ग्लूटाप का जो रिजल्ट है ना वो मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी सोप का नहीं हुआ है आगे अब 2022 में हम जो भी सोप ट्राई करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि ग्लूटाप को कौन जो मतलब ऐसा कौन सा सोप होगा जो बीट कर सकता है या फिर 2022 में कोई भी सोप बीट ही ना कर पाए ऐसा भी हो सकता है तो देखते हैं फिर दो में ठीक है फिलहाल अभी हम इस टाइम की बात कर लेते हैं तो सोप हो गया ग्लूटाप तो ग्लोटा आप स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ प्राइस मेंशन कर दे रही हूँ और इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं इसे हम कहाँ से बाय करें तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए ठीक है अब बात आती है शैम्पू शैम्पू में हम दो तरह के शैम्पू ठीक है एक तो जैसे कि अगर आपने कोई भी स्मूथनिंग कराई है कैराटीन रिबॉन्डिंग कराया हुआ तो उसके लिए जो बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया ठीक है अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपके जहन में है कि हम क्या ट्राई करें कौन सा शैम्पू ट्राई क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके ठीक है मतलब अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो आप तो उसके बाद डिपेंड करता है आप उसको लंबे समय तक रखना चाहते हो स्टेटमेंट को तो सबसे जो रोल जो मेन रोल होता है ना वो आपके शैम्पू और हेयर मास्क का होता है तो मैं वेला का कहूँगी आप वेला का शैम्पू और ये हेयर मास्क ठीक है इन दोनों को साथ में ट्राई करो अगर आप सीरम नहीं भी लगाते हो ना तो भी चलेगा बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और अब बात करते हैं नॉर्मल शैम्पू जिन्होंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने बालों पे तो वो कौन सा शैम्पू ट्राई करें तो मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट शैम्पू मुझे लगा वो लगा मुझे लॉरियल पेरिस का सिक्स ऑयल नरिशिंग शैम्पू बहुत बढ़िया है uh, काफ़ी अच्छे बाल को काफ़ी अच्छा स्मूथ रखता है और फ्रीजी हेयर में काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प करता है कहीं ना कहीं अगर सिल्क स्मूथ आपके हेयर हैं तो ये फॉल को भी कंट्रोल करता है मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू मुझे और अब बात आती है इंटीमेट वॉश इंटीमेट वॉश में आपने देखा होगा मैंने एवरटीन uh, का ट्राई किया पी सी का ट्राई किया और, और भी ट्राई किए क्लीन एंड ड्राई का लेकिन सबसे बढ़िया जो इंटीमेट वॉश लगा वो मुझे लगा वी वॉश उससे बढ़िया अभी तक इस साल का कोई भी मुझे इंटीमेट वॉश नहीं लगा तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी आप इंटीमेट वॉश ट्राई करने के तो मैं कहूँगी आप वी वॉश की तरफ जा सकते हो इमेज लगा दे रही हूँ मैं प्राइस मेंशन कर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी अब बात आती है लिपस्टिक ठीक है मेकअप प्रोडक्ट तो है हैं मेरे पास लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ अभी भी मैं अगर वीडियो में मतलब बना रही हूँ तो मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रखा है और मैंने सिर्फ ये क्रीम अप्लाई कर रखी है डे टाइम में ठीक है हालांकि नाइट क्रीम है नाइट मतलब मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें अर्बोटीन वगैरह ऐड किए जाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो होते हैं आपको डे टाइम में नहीं लगाना होता है लेकिन मैं अंदर ही रहती हूँ मेरा बाहर जाना आना ज़्यादा नहीं रहता है तो मैं डे टाइम ही अप्लाई कर सकती हूँ तो मैंने इसी क्रीम को अप्लाई कर रखा है बाकी फेस पर कोई फाउंडेशन कोई बीबी क्रीम नहीं है तो इसलिए मैं मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यू नहीं होते हैं मेरे चैनल पर तो लेकिन लिपस्टिक के जरूर होते हैं आपने देखा ही होगा तो जो बेस्ट लिपस्टिक है जो वो मेरी है मेबिन की सुपर स्टे इंक लिक्विड लिपस्टिक बहुत बढ़िया है बस ये है कि अगर एक बार आप लगा लो ना तो फिर आप उसे हटाने की कोशिश करोगे अगर आपको कोई और सेट ट्राई करना है तो फिर वो बस रिमूव होने में टाइम लगता है बस हो गया उसका फॉर्मूला जो है कि एक बार लग गया तो फिर हटना थोड़ा मुश्किल होता है बस ये चीज़ मतलब ये चीज़ आपको इरीटेट करेगी बाकी बहुत बढ़िया लिपस्टिक है ठीक है और एक लास्ट है ब्लैक हेड्स ठीक है ब्लैक हेड्स के लिए क्या ट्राई करें आप कई लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है ब्लैक हेड्स के लिए कई तरह के प्रोडक्ट भी आते हैं लेकिन एक कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसपे हम डिपेंड रह सकें और उस पर ट्रस्ट कर सकें कि हम इसी को ही ट्राई करें भले ही लेट रिजल्ट दे लेकिन दे तो वो है प्लस क्रीम ठीक है मेंशन कर दे रही हूँ स्क्रीन पे क्रीम कुछ इस तरह से है इसका प्राइस है इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेडिकल स्टोर पे भी इजीली मिल जाती है ये ठीक है तो ये है ब्लैक हेड्स के लिए और एक है जैसे कि तीन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि इनको मैंने ट्राई नहीं किए एक तो है पोर के लिए ठीक है मेरे स्किन पे पोर है ही नहीं बहुत नज़दीक से देखोगे और तो जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट कोई भी क्रीम ट्राई करती हूँ तो कभी कभी क्या होता है ना मेरे पोर चले जाते हैं और कभी कोई ऐसी क्रीम होती है कि वो मेरे पोर को फिर से विजिबल कर देती है तो ये ना ऐसे डाउन होते रहता है मतलब अप डाउन होते रहता है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर हम बात करें हेयर सीरम हेयर सीरम में मुझे लगा है स्टिक्स का वॉलट सीरम और फेस टोनर मैंने ट्राई नहीं किया है ठीक है तो ये प्रोडक्ट है मेरे 2021 तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ अब तक के लिए बाय